हर घर घर में नोटबुक से माध्यम से घर दिखाए। अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, 50 जगह पे हमारा वो ऑफिस रहेगा, हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास है, 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हैं हमारा गांव 70 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद, 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई, तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ, मेरा ये वीडियो सब कट करके रख दीजिए, मैं हर बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे है अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे, कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे है, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में कौन है। हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए, तो सब अपने को चेंज करने है। अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के, SP होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है, यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन में, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का, 50 जो बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल बड़े को किसी ने देखा है क्या, भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या, बाले मामा ने देखा है क्या हालत है, तो ऐसा लंबाई से नहीं था। भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करते हैं। मेरे साथ में अल्पसंख्यक बाले मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए और कपिल बड़े ने क्या, हमने एक तो आरोग्य क्लिनिक खुला है, 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है। कौन बोलता है हमारे पास नहीं है, सर आप नहीं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई ना, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाले, 2-3 लाख में वो रहेंगे, तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MIM साथ में आ गया और 1 लाख वोट बढ़ गए, वंचित बहुजन अभी 18 तारीख को अपना रैली है और रैली के साथ सभा भी है, सभा में आज है, प्रकाश जी अम्बेडकर साहब आ रहे हैं, कल बच्चू कडू साहब आ रहे हैं, 18 तारीख को प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सदर है वो खुद आ रहे हैं, तो बहुजन समाज भी पूरा जुड़ा है। और दूसरी एक बात मैं आपको आज ऐलान कर देना चाहता हूँ कि आज जिजाऊ के पूरब में 3 और पश्चिम में 3 नए कार्यालय का भी ओपनिंग होगा। थैंक यू। मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ, कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे, वो अपने काम पर मांग रहे, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन। आप पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? जी पार्टी, देखिए आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदार हैं, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई अफसर गुरु, सारे जो लोग है इस तरफ है, एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो आकरम खान अगर जीत गया 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गया तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, ये आकरम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। क्या आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राज्य के अध्यक्ष का लेटर आया है?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो एम आई एम के जो कैंडिडेट आपने दिए है वो कैंडिडेट निहायत ही काबिल नहीं है, क्योंकि वो चार बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुक ही नहीं रही है, वो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे? आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं हुआ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि वो वोटर बनेंगे तो एमआईएम का काम। समर्थन आप अपने कैंडिडेट का कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है। बिल्कुल सही बात है, हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे? बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहां पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया, हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर एक नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको एक नंबर पे लाया जाए। ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,010 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने पार्टी नगर सरकार का एक्शन लिया, जैसे आपने कहा कि पार्टी ने आपको ऐसा कहा है कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी इस पर किसी प्रकार का एक्शन ले तो क्या आप एमआईएम को? नहीं नहीं देखिए, ऐसा है एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की। मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें मैं उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था, वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे आसद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग है वो बिजी थे इसलिए कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल पे आपने समर्थन दिया नीरज सांबरे को, हमने 3 चीजों का उनसे बात की है। पहली शर्त ये है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे, उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे हैं, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें, और तीसरी अहम चीज है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करेंगे। देखा जाए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाए तो हम क्या मानते बी टीम है, ये उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। तो जाने दो, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुढ़ारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे, हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने, तो हम यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे बाद की बात है, वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट। भारत देश के अंदर ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर गए हैं। मेरा एक सवाल है, आपने अभी अभी 3 ऑप्शन पे इनको समर्थन दे रहे हैं, समझ गया? तो ये जो समर्थन आपने 3 ऑप्शन जो रखे है, ये आपका पर्सनली जो है कि आपका जो है कि इनको शर्त है, नोटरी करके लिया जाएगा? नहीं, ये सामने बैठे हैं, सामने पूछ लीजिए। आप शहर के या शहर के विकास को लेकर के आपने क्या बोला, शहर के नाला समझ गया आप, अच्छा वो भी है, विकास को लेकर के आप समर्थन दे रहे हैं आप अपने। कल भी राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक लोगों ने, आपने समाजवादी के 2 नगर सेवक ने ले लिया प्रवेश लिया, परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक माजी नगर सेवक अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे,
भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहां से वेस्ट में जाके परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी के हालत अपने को सुधारने के यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने कहा गया। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊ, इस भिवंडी में पीछे रखे SBI के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसके उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा था। तो इसके साथ मेरा लगाव है, यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजिशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल